हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो आइए, आपका स्वागत है अपने ही चैनल विवेक मिश्रा टी चैनल। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आपका मॉडल एक्सिलरीज स्टार्ट हो गया है, एक दो वीडियोस उसमें आपको मिल गया है। तो चलिए आज देख लेते हैं कुछ ना मॉडल एक्सिलरीज में आपके कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये सब आपके प्रोसेस आते हैं। तो चलिए आज देख लेंगे हम कैन का प्रयोग, यानी कि यूजेस ऑफ कैन। हेडिंग्स आपका ऐड करेंगे यूजेस ऑफ कैन, यानी कि कैन के प्रयोग में पढ़ेंगे। अब हेडिंग में ही डालेंगे यूजेज ऑफ कैन। कैन जानते ही है क्या है? मॉडल एक्सिलरीज, ये आपका इंडिकेट करता है। हेडिंग में आप रखा रहेगा मॉडल एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज में आपको इंट्रो में दो तीन वीडियो मिले, उसके बाद यूजेज ऑफ कैन देख लेंगे। क्या देख लेंगे? यूजेज ऑफ कैन। अब देख लेंगे कैन का प्रयोग मेनी कंडीशन में, यानी कि बहुत सारे कंडीशन में आपका किया जाता है। कैसे किया जाता है? नोट्स में जैसे हम ऐड कर सकते हैं, ये आपका सॉरी एन है, कैन का यूज हम मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशंस, मेनी टाइप्स ऑफ हम क्या कर सकते हैं? कंडीशंस चलिए उसको देख लेंगे कि कैन का यूज हम मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशन में करते हैं या फिर कैन का यूज मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशन में किया जाता है। जैसे कि सच एज, यानी कि जैसे कि क्या है? फर्स्ट स्टेप आप नोट करेंगे। आप क्या नोट करेंगे? फर्स्ट स्टेप। तो वो क्या होता है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच, आपको कंडीशन बताई जा रही है टू एक्सप्रेस, यानी कि व्यक्त करता है आपका क्या? एबिलिटी विच क्या है? मे बी, यानी कि संभवतः रूप से आपके कुछ जैसे होंगे मेंटल। क्या होंगे? मेंटल मतलब आप लोग जानते हैं मानसिक होता है। क्या होता है? मानसिक। उसके बाद फिजिकल भी तो लिख सकते हैं, फिजिकल सरकम, सही है, थोड़ा सा मैं रिमूव करेंगे, ये आपका क्या होगा? सरकम स्टेशियल, ये आपका क्या होगा? सरकम स्टेयल स्टेंटियल, क्या हो जाएगा? स्टेंटियल। तो देख लेंगे मेंटल हुआ आपका, फिजिकल हुआ एंड सरकम स्टेनियल, मतलब जानते हैं आप क्या होता है? परिस्थितिजन्य, यानी कि मेंटल तो हो गया आपका, क्या हो जाएगा? माइंडेस हो जाएंगे, यानी कि मानसिक तौर पे। फिजिकल आपका क्या होता है? ये शारीरिक हो जाएगा। एंड सरकम स्टेनियल मतलब परिस्थितिजन्य आपकी क्षमता, जानते हैं, लिख लेंगे परिस्थितिजन्य क्षमता। परिस्थित जन्य आपका क्या हो जाएगा? क्षमता, यानी कि योग्यता, कुछ भी एबिलिटी है, क्योंकि टू एक्सप्रेस एबिलिटी बीच में भी मेंटल फिजिकल सर्कल में बताया गया है। एक बार फिर से देखेंगे कि कैन का यूज, सिर्फ आपको ज्यादा नहीं 10 मिनट का वीडियो मिलेगा, लेकिन यूज ऑफ कैन का आपको कहीं भी पूछ लिया जाता है कि कैन का यूज कहाँ कहाँ किस किस स्टेप में होता है, तो तुरंत आप 4-5-10 रख दीजिए, तुरंत आपका काम बन जाएगा। कि सिर्फ तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप यही आता है कि टू एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी कि उस योग्यता को व्यक्त करने में विच जो कि मे बी संभवतः मेंटल फिजिकल एंड सरकम स्टैंडियल, यानी कि आपका वो चाहे परिस्थित जन्य हो जाए, फिजिकली शारीरिक रूप से हो जाए, या फिर मेंटल हो जाए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यानी कि आपको क्या बताया जाएगा उदाहरण के तौर पे। जैसे
आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, पक्का है मैं ये काम कर सकता हूँ। ये आपका क्या है, मेंटली है या कर सकते हैं, फिजिकली भी है, सेकंड स्टैंडियर भी है, कुछ भी है, यानी कि कुछ भी है तो ये आप कर सकते हैं। जैसे आई, आप क्या कर लेंगे, आई कैन स्पीक एन इंग्लिश, या फिर एन भी हटा सकते हैं, सिर्फ तो सिर्फ इंग्लिश लिख सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, या फिर ही कैन स्पीक इंग्लिश, कुछ भी तो कर सकते हैं, यानी कि वह इंग्लिश बोल लेता है। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये जो आपका कैन यूज हो रहा है, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है मेंटल, फिजिकल एंड सर्कम स्टैंडर्ड। आपको आई गेस आई ये फर्स्ट वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो रिमूव करना चाहेंगे आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए मेरे वीडियो को पुश करके, और फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल एक भी छूट नहीं ना पाए। तो इसी स्टेप में अभी सेकंड स्टार्ट नहीं होगा, जैसे पॉइंट पॉइंट्स, आप लोग कहेंगे कि मैम पॉइंट्स बहुत ज्यादा लिखाते हैं, क्यों लिखवाते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ तो सिर्फ समझने की बात होती है। अगर आप पॉइंट्स में सिर्फ अंडरस्टूडिंग लिखाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको ज्यादा मेहनत किया जाता है, अगर आप समझ लेते हैं तो उसमें बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना है, तो इसीलिए पॉइंट्स ज्यादातर लिखाए जाते हैं। तो अगर इसमें लिख लेंगे कैन का यूज, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में हो, प्रेजेंट टेंस जानते हो, जानते ही हो, टेंस पढ़े ही हैं आप लोग, वो तो कैन का यूज प्रेजेंट टेंस फॉर्म में हो तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स दैट मीन्स इसका आशय ही क्या होता है कि इज एम या फिर आर प्लस एबल टू, ये क्या हो जाएगा, एबल टू, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आपको बताया क्या जा रहा है, फिर से देखेंगे कैन का यूज प्रेजेंट टेंस फॉर्म में हो, अगर यही कैन का जो यूज है आपका प्रेजेंट टेंस फॉर्म में हो तो इट्स दैट मीन इसका मतलब क्या होता है, इज एम आर लिख सकते हैं या फिर एबल टू लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, आई कैन पास द एग्जामिनेशन, बताया गया है कि आई कैन पास द एग्जामिनेशन, हम एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कैन आ गया है, आई कैन पास द एग्जामिनेशन, मैंने एग्जाम को पास कर लिया है, यानी कि हम एग्जाम पास करते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस बताया है, कर लिया है, तब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट टेंस है, वाली ये नहीं बताया गया है कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस के परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है ये नहीं बताया गया। तो हम कर सकते हैं, ऑलरेडी आई आपका सब्जेक्ट हुआ लिखेंगे, अब इस कैन के स्थान पे इस एम आर, कोई भी आपका जैसे ये सब्जेक्ट रहता है उसी के स्थान पे लिखेंगे, ध्यान देंगे तो आई के साथ एम लगता है, आई एम एबल टू पास द एग्जामिनेशन, कैसे कि आई कैन पास द एग्जामिनेशन, हम एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं, या फिर आई कैन एबल टू, मैं योग्य हूँ, इसके सक्षम हूँ पास द एग्जामिनेशन, क्यों एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम को निकाल सकूं, मैं इसके सक्षम हूँ। अगर ये एग्जाम्पल ना समझ में आया हो तो इसी से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ये प्रेजेंट में है तो आपको क्या करना है, इस एम आर लगा दीजिए और फिर आप क्या कर देंगे, एबल टू जोड़ देंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे वी कैन क्रॉस द गंगा, हुआ
वी कैन क्रॉस द गंगा, हम गंगा को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप यही करेंगे, वी सब्जेक्ट लिखे, प्लूरल है इसलिए आर लगा देंगे, वी आर। अब देखिए आर लग गया, इज हमारा बात खत्म हुई, बचा है एबल टू, जोड़ दीजिए एबल टू, तो वी आर एबल टू क्रॉस द गंगा। समझ में आया मेथड? चलिए तो ये आपका प्रेजेंट वाला समझ में आ गया। अब लेकिन थोड़ा सा बस चेंज होगा क्या, हम मेथड बस चेंज करेंगे, कैन का यूज अगर आपका हो फ्यूचर टेंस में क्या होगा, फ्यूचर में, अभी तक तो अभी पास्ट वाला बाद में बताया जाएगा, बट प्रेजेंट वाला तो हो चुका। अब फ्यूचर टेंस फॉर्म में हो तो इट्स दैट मीन्स इसका मतलब ही होता है क्या होगा, देख लेंगे, थोड़ा छोटा लिखते हैं, बहुत बड़ा हो गया है, पॉइंट्स में लिखेंगे, वही रहेगा फॉर्म। इफ वी यूज टू कैन, यदि हम कैन का यूज करते हैं किसमें, इन फ्यूचर कंडीशंस, इन फ्यूचर टेंस फॉर्म कंडीशंस में, तो यानी कि इफ वी यूज टू कैन, यदि हम कैन का यूज करते हैं इन फ्यूचर टेंस फॉर्म कंडीशन, फ्यूचर टेंस फॉर्म में हो कंडीशन हो तो उसे, तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब विल या फिर सेल बी, यानी कि बिल बी और सेल बी दोनों होगा, चाहे बिल कहिए या फिर सेल, दोनों के साथ बी प्लस एबल टू होगा। समझ में आया? तो अगर फ्यूचर प्रेजेंट में रहता है तो आपका इज एम आर प्लस एबल टू, अगर फ्यूचर में रहता है तो बिल और बिल भी या फिर सेल भी प्लस एबल टू। जैसे फॉर एनी एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, क्या करेंगे, आई कैन डू इट टुमारो। आप कहेंगे कि मैम जानेंगे कैसे, अभी बताते हैं कि आई कैन डू इट टुमारो, हम इसे कल कर सकेंगे, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सके, हम इसे कर सकेंगे, या मैं इसे कर सकूंगा टुमारो, कल, यस्टरडे बीते हुए कल के लिए लगता है, टुमारो आने वाले कल के लिए, तो आई कैन डू इट टुमारो, मैं इसे कर सकूंगा, नेक्स्ट डे के लिए आ रहा है, जिससे टुमारो से इंडिकेट हो रहा है कि ये फ्यूचर में है, कर देंगे, सब्जेक्ट आपका आई है, इस कैन के स्थान पे बिल और सेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिल या फिर सेल बी आप जोड़ देंगे, तो आई और बी के साथ ऑलरेडी आप जानते हैं सेल जुड़ता है, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल, तो लेकिन प्रेशर कंडीशन में आई और बिल सेल के भी, सॉरी आई और वी के साथ भी बिल लगता है, ये आप टेंस में जाकर के तुरंत पढ़ सकते हैं। तुरंत विवेक मिश्रा स्टडी चैनल सर्च करिए यूट्यूब के सर्च बार में, तुरंत आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा टेंस के, टेंस में आप जाइए तुरंत पढ़ लीजिए। तो आई कैन के स्थान पे हम सेल भी लगा देंगे, उसके बाद एबल टू, एबल टू, अब वही हिंदी निकलेगी, बाकी प्रोसेस इतना यहां से सारा वैसे रहेगा, डू इट टुमारो। हुआ? आई शैल बी एबल टू डू इट टुमारो, यानी कि आई कैन डू इट टुमारो, मैं इसे कल करने में सक्षम होऊंगा, आई शैल बी, हम हो रहे होंगे एबल टू, सक्षम, डू इट टुमारो नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगले दिन करने में इसे सक्षम हो रहे होंगे। तो आई गेस ये आपको ये वाला फर्स्ट नोट्स बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अब देख लेंगे नेक्स्ट वाला, इसमें तो ए और बी करके चल रहा था, अब पॉइंट्स में ही हम क्या करेंगे, सेकंड देखेंगे, यानी कि मेथड ही हमारा क्या होगा, सेकंड कब होगा, जैसे इफ वी यूज टू कैन इन किस कंडीशन में, कि इफ वी यूज टू कैन, यदि हम कैन का यूज करते हैं इन किस में करते हैं, नो हाउ टू, नो हाउ टू कंडीशंस,
What happened? What happened? क्या होता है यानी if we use to can, यदि हम can का use करते हैं in किसमें know how to कैसे जानते हैं यानी कि जानते हैं कैसे conditions ये condition रहता है तो what happened क्या घटना घटित होता है कैसे होगा वो example के तौर पे जानेंगे वो हम क्या करेंगे observe example के तौर पे जैसे he can operate the computer. He can operate the computer. He can operate. Operate मतलब क्या होता है? संचालित करना. क्या होता है? संचालित. तो he can operate the computer. वो computer को संचालित कर सकता है. अभी इसमें कैसे हो रहा है कि if we use to can, यदि हम can का use किसमें करते हैं? Know how to, यानी कि कैसे जानते हैं उस चीज को कैसे जानते हैं? He can operate the computer, वो computer को कैसे संचालित करता है? तो उसके अंदर जानकारी experience होगी तभी तो संचालित करेगा. इस हमें question से आप कहेंगे कि मैम हम कैसे समझेंगे question दिया रहेगा can सम्मे लगा हुआ है कैसे तो mentally, physically and circumstantially पहले step था उसी में आपको दो दिया गया था वो आप समझ लिए क्या दिया गया था जैसे कि फर्स्ट आपको दिया गया था कैन का प्रयोग प्रेजेंट में करना है वो समझ लिए कैन का प्रयोग फ्यूचर में करना है वो समझ लिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वी यूज्ड टू कैन नो हाउ टू कैसे जानते हैं तो एग्जांपल ही रहता है ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर कंप्यूटर को कैसे कंप्यूटर को संचालित कर सकता है तो इसे क्या करेंगे ही अब इसी कैन के स्थान पे सारा प्रोसेस चेंज करेंगे क्या कर देंगे नो हाउ टू यानी कि knows सॉरी यहाँ पे नो ही रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा नो ही रहेगा जैसे यूज करेंगे ही knows सिंगुलर है इसलिए यस आई एस प्रेजेंट में जुड़ जाता है ही knows हाउ टू अब यहाँ से सेम कंडीशन वैसे उतार लेते हैं सिर्फ तो सिर्फ किसमें चेंज करना है आपका उसी में चेंज करना है चलिए तो प्रोसेस आपको समझ में आया न समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और इसी पे बता देते हैं आपको इसी पर जैसे दूसरा वाला इसी पर क्या करेंगे दूसरा आई कैन गाइड द स्टूडेंट्स आई कैन गाइड हम क्या कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं द स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा इसका मान ले कैपिटल में होगा तो आप लिख लेंगे आई इस कैन के स्थान पे जान जाएंगे कि आई कैन गाइड द स्टूडेंट्स हम इस स्टूडेंट्स को यानी बच्चों को गाइड कर सकते हैं उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं तो आपके अंदर जानकारी होगी तभी जान सकते हैं तो इससे इंडिकेट होता है कि नो हाउ टू कैसे जान जाते हैं तो इस कैन के स्थान पे हम जोड़ देंगे नो हाउ टू बाकी प्रोसेस वैसे रख लेते हैं गाइड द स्टूडेंट्स आई गेस आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे बहुत अच्छे ये प्रोसेस क्लियर हुए होंगे कि ये वाला तो समझ में आ गया समझ में आया ना तो आई गेस ये वीडियोस बहुत मजे आए होंगे कुछ इसी के साथ अभी आपका कैन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है वीडियोस लॉन्ग नहीं जाएगा 10 मिनट टाइम दीजिए तुरंत अच्छे से पढ़िए आप लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मैम आप 10th का मैथ पढ़ाइए या फिर आप SST पढ़ाइए ये भी कहते हैं आपका मन जरूर पूरा होगा तो पहले तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ लीजिए स्टार्ट करते हैं ना क्या देरी है जरूर स्टार्ट किया जाएगा लेकिन पहले तो ये पढ़ लिया जाता है तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर के आए हैं कैन का यूज लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये तो पार्ट फर्स्ट था कैन का यूज आप कैन नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए क्योंकि इधर से वीडियो अपलोड हुए उधर तुरंत आपको मिल जाएंगे गुड बाय दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ अलग लेकर के